आपका मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था, मेवाड़ राजवंश का। आज हम पढ़ते हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली एवं आसपास के क्षेत्र शामिल होते हैं। इस भूभाग पर विभिन्न कालखंडों में अलग अलग लोगों का शासन रहा। यहाँ के इतिहास की विश्वसनीय जानकारी 6वीं शताब्दी से उपलब्ध होती हैं। अब यहाँ के जो राजवंश हुए, उन राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार की। उत्तरी पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 8वीं से 10वीं सदी तक रहा। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। उस समय राजपूताना का यह क्षेत्र गुजरात यानी गुर्जर प्रदेश कहलाता था। गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा था। इसी कारण तत्कालीन मंदिर स्थापति की प्रमुख कला शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली की संज्ञा दी गई है। 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों की तुलना में कोई प्रभावी राजपूत वंश नहीं था। इनका आधिपत्य न केवल राजस्थान के पर्याप्त भूभाग पर था, बल्कि सुदूर कनौज एवं बनारस तक भी था। 8वीं-9वीं सदी में व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कनौज नगर पर अधिकार हेतु 100 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहारों, बंगाल के पालों एवं दक्षिण राष्ट्रकूटों के मध्य अनवरत संघर्ष, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, वो चलता रहा। इसमें अंततः विजयश्री गुर्जर प्रतिहारों को ही मिली। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं का अस्तित्व देखें तो दो है, मंडोर शाखा और भीनमाल जो कि जालौर में है की शाखा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर यानी जोधपुर थी। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में उन्होंने उज्जैन को अपने अधिकार में कर लिया एवं उज्जैन इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। नागभट्ट प्रथम ने उत्तराधिकारी कुकुक एवं इसके उत्तराधिकारी थे कुकुक एवं देवराज थे, परंतु इनका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं था। वत्सराज की बात करें 778 से 781 ईस्वी तक। देवराज का पुत्र वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय की बात करें 815 से 833 ईस्वी तक इनका शासन। वत्सराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय सन 815 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने 816 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण कर चक्रायुध, जिसे धर्मपाल द्वारा नामजद शासक था, को पराजित कर तथा कनौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। उसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणों को रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सन 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली। नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार राजपूताना के एक बड़े भाग, आधुनिक जो उत्तर प्रदेश के भरत क्षेत्र, मध्य भारत, उत्तरी काठियावाड़ एवं आसपास के क्षेत्रों तक हो गया था। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने 833 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाली, परंतु उसके अल्प शासनकाल यानी कि 3 वर्ष में उसे कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ, बल्कि प्रतिहारों की शक्ति और भी क्षीण हुई। मीर भोज की बात करें 836 से 885 तक। रामभद्र के उत्तराधिकारी मीर भोज या मीर कहें कि शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची। उसने बुंदेलखंड तक अपने वंश का राज्य पुनः स्थापित किया। इसका शासन पूरी पंजाब, अधिकांश राजपूताना, उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, मालवा, सौराष्ट्र एवं ग्वालियर तक विस्तृत हो गया था। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मीर भोज के कुल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। राष्ट्रकूट शासक धुरु ने मीर भोज के दक्षिण क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालव पर अधिकार कर लिया। मीर भोज ने आदिवरा और प्रभास आदि ये तो विरुद्ध यानी कि विरुद्ध धारण किया या फिर ये उपाधि धारण किया आदिवरा और प्रभास की। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910।
महेंद्रपाल प्रथम की बात करें, मेहरबोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रत्यार वंश का शासक बना। वो विद्वानों का उदार संरक्षक था। उसके दरबारी साहित्यकार राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। उसने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा। महीपाल की बात करें, महेंद्रपाल प्रथम के बाद शासन पर अधिकार हेतु संघर्ष छिड़ गया। अंततः महीपाल ने शासन की बागडोर संभाली, लेकिन अब तक राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने प्रत्यारों को हराकर कनौज को नष्ट कर दिया। उसके समय अब अरब यात्री अल मसूदी उसके राज्य में भारत यात्रा पर आया था अंतिम प्रत्यार शासकों में एक शासक राज्यपाल था, जिसके शासनकाल में सन 1000 में महमूद गजनी ने अंतिम प्रत्यार शासकों में एक शासक था जिन 1018 में महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया था, ठीक है। परंतु राज्यपाल मुकाबला करने के स्थान पर कनौज छोड़कर सुरक्षित स्थान पर अन्यत्र चला गया। इसके बाद कायरतापूर्ण कार्य के फलस्वरूप चंदेल राजा गंड उसके पुत्र विद्याधर ने उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला। अंततः 11वीं सदी के पूर्वार्ध में ही गढ़वालों ने कनौज पर अधिकार कर अपना शासन स्थापित किया। सन 1036 ईस्वी के एक अभिलेख में उल्लेखित यशपाल देव संभवतः अंतिम गुर्जर प्रत्यार शासक था। प्रारंभिक प्रत्यार शासकों की जानकारी भोज प्रत्यार की ग्वालियर पर स्थिति उद्यतन सूरी द्वारा रचित कुवल्यमाला पुरातन समन संग्रह एवं हरिवंश पुराण से मिलती है। प्रत्यारों की मंडोर शाखा के एक शासक ने मेड़न तक को अपनी राजधानी बनाया। इसी शाखा के शासक कक ने कनौज के प्रत्यार शासक नागभट द्वितीय की ओर से बंगाल जो गोड क्षेत्र था के शासक धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की, गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कनौज, जो कि उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में है, वो यहाँ हो गया था। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के तीन कोनों में तीन शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। दक्षिण में थे राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, उत्तरी भारत में गुजर प्रत्यार। कनौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इनकी शुरुआत प्रत्यार नरेश वत्सराज ने कनौज के शासक इंद्रा युद्ध को पराजित करके की। अंततः प्रत्यार इसमें सफल हुए। प्रत्यार शासक नागभट द्वितीय ने 816 में कनौज के शासक चक्रायुध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 तक चला था। अब बात करते हैं आबू के परमार की। परमार वंश का शासन राजस्थान में आबू एवं उसके आसपास क्षेत्रों पर था। इस वंश का मूल पुरुष धूमराज था। इसी वंश के राजा धुंधक ने आबू का दंडपति महाजन विमल शाह को बनाया, जिसने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर विमल शाही का निर्माण 1031 करवाया और इसका शिल्पी जो था वो कीर्तिधर था। आबू के अलावा जालौर, वागड़ तथा मालवा पर भी परमारों के शासन का उल्लेख मिलता है। वागड़ में इनकी राजधानी आर्थोना थी, जहाँ इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया जो आज भी इनके वैभव की कहानी कहते हैं। मालव का राजा भोज परमार एक प्रतापी शासक हुआ, जिसने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की एवं साहित्य तथा संगीत के उत्थान में योगदान दिया। 13वीं सदी के अंत तक परमार शासन का अंत हो गया था। बात करते हैं राठौड़ वंश की। राजस्थान के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। मुणोत नैणसी ने इन्हें कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज माना, तो दयालदास की बीकानेरी राठौड़ की ख्यात, जोधपुर की ख्यात पृथ्वीराज रासो आदि में इसी मत का समर्थन किया गया है। जबकि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें बदायूं के राठौड़ का वंशज मानते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें दक्षिण के राष्ट्रकूटों से उत्पन्न मानते हैं, परंतु अधिकांश इतिहासकार मुणोत नैणसी के मत के पक्षधर हैं। इनके अनुसार जब मोहम्मद गौरी ने 1193 जब कनौज पर आक्रमण कर राठौड़ जयचंद गढ़वाल को हरा कर उसका राज समाप्त कर दिया, तब कुछ वर्षों बाद जयचंद्र के पौत्र सियाजी अपने कुछ राठौड़ सरदारों के साथ 13वीं सदी में राजस्थान आ गए और पाली के उत्तर पश्चिम में अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया। सिया के उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार राव सिया मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक एवं आदि पुरुष थे। बात करते हैं राव चूंडा की। राव सिंह के वंशज वीरमदेव का पुत्र राव चूंडा इस वंश का
प्रथम प्रतापी शासक हुआ जिसने मांडू के सूबेदार से मंडोर दुर्ग छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अपना राज्य विस्तार नाडोल, डीडवाना, नागौर आदि क्षेत्रों तक कर लिया। रावचूड़ा द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी न बनाए जाने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र रणमल राठौड़ रणमल मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा की सेवा में चला गया। वहां उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय पश्चात रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर आक्रमण किया और सन 1426 ईस्वी में उसने अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा लाखा के बाद उनके पुत्र हुए मोकल तथा उनके बाद महाराणा कुंभा के अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ के शासन की देखरेख रणमल के हाथों में ही रही, परंतु कुछ सरदारों के बहकाव में आकर महाराणा कुंभा ने सन 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी। राव जोधा 1438 से 1499 इनका शासन काल। अपने पिता रणमल की हत्या हो जाने के बाद तुरंत बाद उनके पुत्र राव जोधा चुपचाप मेवाड़ से निकलकर भागे, परंतु मेवाड़ की सेना ने स्वर्गीय महाराणा मोकल के ज्येष्ठ भ्राता रावत चूंडा के नेतृत्व में उनका पीछा किया और मंडोर के किले पर मेवाड़ का अधिकार कर लिया। राव जोधा ने सन 1453 ईस्वी में पुणे मंडोर व आसपास क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1459 में राव जोधा ने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग जो मेहरानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण करवाया और इसके पास वर्तमान जोधपुर शहर बसाया। उनके समय जोधपुर राज्य का अत्यधिक विस्तार हो चुका था। 1499 में राव जोधा की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं राव मालदेव की 1531 से 1562 तक का काल। अपने पिता राव गंगा जी की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून 1531 को जोधपुर की गद्दी पर बैठे। उनका राज्याभिषेक सोजत में संपन्न हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। राव मालदेव राठौड़ वंश के प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक हुए। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार चहुं ओर किया, इसमें तथा नागौर, अजमेर, सिवाना, जालौर एवं बीकानेर को अपने राज्य में मिला लिया। इनका विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ, जो विवाह की पहली रात से ही अपने पति से रूठ गई और आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही और तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है अपना जीवन गुजारा। राव मालदेव ने मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में पूरी सहायता प्रदान की। उन्होंने सन 1541 में बीकानेर नरेश राव जेती को हरा बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद इनकी सहायता लेने के उद्देश्य से 1542 ईस्वी में मारवाड़ आया था। राव मालदेव ने उनका उचित सत्कार कर सहायता का वचन दिया, परंतु बाद में हुमायूं अमरकोट की तरफ चला गया। गिरी सुमेल का युद्ध देखें जो इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है। 1543 ईस्वी में दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने मालवा पर चढ़ाई की। जैतारण जो कि पाली जिले में है के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। और तब शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कुंपा मारे गए थे। इसके बाद शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खान को संभाल दिया। मालदेव ने कुछ समय बाद पुनः समस्त क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। 7 नवंबर 1562 को उसकी मृत्यु हो गई। मालदेव न केवल एक योद्धा एवं प्रतापी शासक ही था बल्कि एक भवन निर्माता भी था। उसने पोखरण का किला, मालकोट का किला जो कि मेड़ता, सोजत, सारण और रिया आदि किलों का निर्माण मालदेव ने करवाया था। बात करते हैं राव चंद्रसेन की 1562 से 1581 तक इनका शासनकाल। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के छठे पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उन्हीं की इच्छा अनुसार उनका ज्येष्ठ इनका कनिष्क पुत्र था ज्येष्ठ नहीं कनिष्क पुत्र राव चंद्रसेन 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उस समय राव चंद्रसेन के तीनों बड़े भाइयों में सबसे बड़े भाई राम सिंह अपनी
जागीर गुंदोच में, दूसरे रायमल सिवाना में, तीसरे उदय सिंह फलोदी में थे। इस राज्यारोहण से असंतोष सामंतों ने राव चंद्रसेन के भाइयों में कलह उत्पन्न कर दी। सन 1563 में राव चंद्रसेन ने अपने भाई राम सिंह पर चढ़ाई की। राम अपनी विजय की आशा न देखकर नागौर के शाही हाकिम हुसैन कुली बेग के पास चला गया और सहायता मांगी। राव चंद्रसेन उसके भाइयों के कलह का लाभ मुगल बादशाह अकबर ने उठाया। अकबर ने नागौर में अपने हाकिम हुसैन कुली बेग को राव चंद्रसेन पर चढ़ाई कर जोधपुर का किला छीनने का आदेश दे दिया। युद्ध के दौरान राव चंद्रसेन परिवार सहित भादराजन की तरफ चले गए और 1564 ईस्वी में जोधपुर किले पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं नागौर दरबार की। नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर अजमेर से नागौर पहुंचा और वहां कुछ समय तक अपना दरबार लगाया। राजस्थान के कहीं राजपूत राजा उनकी सेवा में वहीं उपस्थित हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिनमें जैसलमेर नरेश रावल हर्राय जी, बीकानेर नरेश राव कल्याणमल जी व उनके पुत्र राय सिंह जी तथा राव चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह जी प्रमुख थे। राव चंद्रसेन जी भी भादराजून से नागौर दरबार में आए थे, परंतु अन्य राजाओं की तरफ उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की एवं चुपचाप वहां से भादराजून चले गए। इस पर अकबर उनसे नाराज हो गया और उन्होंने अपने अधीन करने के लिए चंद्रसेन को अधीन करने के लिए सन 1574 ईस्वी में जलाल खान और 1576-77 में शाहबाज खान के नेतृत्व में अपनी सेना भादराजून भेजी। भादराजून पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया और राव चंद्रसेन वहां से सिवाना की तरफ निकल गए। इस प्रकार नागौर दरबार मारवाड़ की प्रतंत्रता की कड़ी में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। अकबर ने इस दरबार के बाद जोधपुर का शासन बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को संभला दिया। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें साहिकुली खान आदि मुसलमान सैनिक सेनानायक जो थे के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेहरतिया जो जयमल का पुत्र था, जगत राय आदि हिंदू नरेश और शामन थे। बादशाह की बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह राव चंद्रसेन शाही अधीनता स्वीकार कर ले। ये सेना पहले सोजत की तरफ गई और वहाँ पर इसने चंद्रसेन जी के भतीजे कल्ला को हराया। उसके बाद शाही सेना ने सिवाना की तरफ प्रयाण किया या फिर सिवाना की तरफ गई। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद वो कानूजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खान को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वो मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खान के नेतृत्व में शाही सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वो भी असफल रही। राव चंद्रसेन ने अंत में सारणों के पर्वत जो कि सोजत में अपना निवास कायम किया। यहीं पर सच्याप में 11 जनवरी 1581 को इनका अचानक स्वर्गवास हो गया। सारण में जिस स्थान पर उनकी दाह क्रिया की गई उस जगह पर इनकी संगमरमर की एक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा अब तक विद्यमान है। उसके आगे 5 स्त्रियां खड़ी हैं, जिससे इससे प्रकट होता है कि उनके पीछे 5 सतियां हुई थी। राव चंद्रसेन जी ही अकबरकालीन राजस्थान के प्रथम मनस्वी और स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थे और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया था। वास्तव में उस समय राजपूताना में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन ही 2 स्वाभिमानी वीर अकबर की आंखों के कांटे बने थे। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। चंद्रसेन अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता को नकारते हुए कष्टों के मार्ग को अपनाया था। इसकी मृत्यु के साथ ही राठौड़ों की स्वाधीनता का स्वप्न भी समाप्त हो गया था। अब बात करें इनके संदर्भ में कुछ। चंद्रसेन ऐसा पहला राजस्थानी शासक था जिसने मुगल विरोधी अभियान की पूरी गंभीरता से प्रारंभ किया था। इस अभियान को मुगल विरोधी अभियान को परिस्थितिजन्य अभावों में भी मुगलों की शक्ति से संघर्ष करते हुए उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। इस मायने में वे मुगलों का प्रतिरोध करने में राजपूत शासकों का आदर्श कहे जा सकते हैं। चंद्रसेन की मुगल विरोधी कार्रवाइयों के कारण चंद्रसेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राव चंद्रसेन ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का अधिक महत्व दिया था इनको अधिक महत्व दिया। खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने में राणा उदय सिंह के बाद
वे दूसरे शासक थे। इसी प्रणाली का अनुसरण महाराणा प्रताप ने किया था। बात करें मोटा राजा राव उदय सिंह की, 1583 से 1595 तक इनका शासनकाल। राव चंद्रसेन के बड़े भ्राता उदय सिंह नागौर दरबार में अकबर की सेवा में आ चुके थे। आते इनकी वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें 4 अगस्त 1583 को जोधपुर का शासक बना दिया। राव उदय सिंह जोधपुर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह शाहजादा सलीम से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राव उदय सिंह ने अकबर को अनेक युद्धों में विजय दिलवाई और अंततः 1595 में लाहौर में इनका स्वर्गवास हुआ। मोटा राजा उदय सिंह ने मालदेव के समय प्रारंभ हुई सतत युद्ध की स्थिति को समाप्त कर जोधपुर रियासत को सुख शांति से जीने का अवसर उपलब्ध कराया। राव उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सूर सिंह जी 1595 में जोधपुर के सिंहासन पर आसीन हुए। बादशाह अकबर ने सूर सिंह जी की वीरता से प्रसन्न हो 1604 ईस्वी में उन्हें सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया। शहजादा खुर्रम के मेवाड़ अभियान में सूर सिंह जी ने उसका पूरा साथ दिया था और सूर सिंह जी बड़े प्रतापी और बुद्धिमान राजा थे। राव मालदेव के बाद इन्होंने ही मेवाड़ राज्य की वास्तविक उन्नति की। सूर सिंह के बाद उनके पुत्र राव गज सिंह 1619 ईस्वी में 8 अक्टूबर को जोधपुर की गद्दी पर विराजमान हुए। इनकी वीरता से प्रसन्न हो सम्राट जहांगीर ने इन्हें दल थम्बंद की उपाधि दी और इनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया। 1638 में आगरे में इनका देहांत हो गया। वहीं यमुना किनारे इनकी अंत्येष्टि की गई। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। महाराणा जसवंत सिंह प्रथम की बात करें, महाराणा गज सिंह के बाद उनके प्रिय पुत्र जसवंत सिंह जोधपुर के शासक बने और आगरे में इनका राज तिलक किया गया। शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1656 ईस्वी में शाहजहां के बीमार हो जाने पर उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिंह का साथ दिया और औरंगजेब को हराने के लिए उज्जैन की तरफ सेना लेकर गए। धर्मत का युद्ध देखें, शहजादे औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध जो उज्जैन मध्य प्रदेश के पास धर्मत में लड़ा गया। शाही फौज को औरंगजेब ने हरा दिया। मारवाड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने युद्ध में दारा सिखों की शाही सेना का नेतृत्व किया था। दोराई का युद्ध 11 मार्च से 15 मार्च 1659 तक अजमेर के निकट दोराई स्थान पर पुणे दारा सिखों एवं बादशाह औरंगजेब की सेना के मध्य युद्ध हुआ जिसमें दारा सिंह को बुरी तरह हारा। महाराजा जसवंत सिंह को बाद में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में भेजा जहां इन्होंने शिवाजी को मुगलों से संधि करने हेतु राजी किया तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को शाहजादा मोजम के पास लाए। दोनों के मध्य शांति संधि करवाई। इन्होंने औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। 28 नवम्बर 1678 में महाराजा का जमरूद यानी अफगानिस्तान में देहांत हो गया। इनके मंत्री मोनम नैनसी ने नैनसी रिख्यात मारवाड़ परगनारे विगत नामक दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, परंतु अंतिम दिनों में महाराजा से अनबन हो जाने के कारण नैनसी को कैद खाने में डाल दिया गया जहां उसने आत्महत्या कर ली। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनकी रानी गर्भवती थी, परंतु जीवित उत्तराधिकारी के अभाव में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र यानी कहे तो धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। ये कहा था औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह की गर्भवती रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को 19 फरवरी 1679 को लाहौर में जन्म दिया। जोधपुर के राठौर सरदार वीर दुर्गदास एवं अन्य सरदारों ने मिलकर औरंगजेब से राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करने की मांग की, परंतु औरंगजेब ने इसे टाल दिया और कहा कि राजकुमार के बड़ा हो जाने पर उन्हें राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद औरंगजेब ने राजकुमार अन्य रानियों को परवरिश हेतु दिल्ली अपने पास बुला लिया। इन्हें वहाँ रूप सिंह राठौर की हवेली में रखा गया। उसके मन में पाप आ गया और राजकुमार को समाप्त कर जोधपुर राज्य को हमेशा के लिए हड़पना चाहता था।
वीर दुर्गादास औरंगजेब की चालाकी को समझ गए और वे अन्य सरदारों के साथ मिलकर चालाकी से राजकुमार अजीत सिंह एवं रानियों को बाघेली नामक महिला की मदद से औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाल लाए और गुप्त रूप से सिरोही के कालिंदी स्थान पर जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर उनकी परवरिश की। दिल्ली में एक अन्य बालक को नकली अजीत सिंह के रूप में रखा। बादशाह औरंगजेब ने बालक को असली अजीत सिंह समझते उनका नाम मोहम्मदी राज रखा। मारवाड़ में भी अजीत सिंह को सुरक्षित न देकर वीर राठौड़ दुर्गादास ने मेवाड़ में शरण ली। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास को केलवा की जागीर प्रदान की। देवारी समझौता। राजकुमार अजीत सिंह कछवा राजा सवाई जय सिंह एवं मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य देवारी नामक स्थान पर समझौता हुआ, जिसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ में, सवाई जय सिंह को आमेर में पद स्थापित करने तथा महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से करने एवं इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को सवाई जय सिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने पर सहमति हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराणा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास व अन्य सैनिकों की मदद से जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 12 मार्च 1707 को उन्होंने अपने पैतृक शहर जोधपुर में प्रवेश किया। बाद में गलत लोगों के बहकाव में आकर महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, जहाँ से वीर दुर्गादास दुखी मन से मेवाड़ की ओर चले गए, मेवाड़ की सेवा में चले गए। महाराणा अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फरकी शेर के साथ संधि कर ली और अपनी लड़की इंद्र कुंवरी का विवाह बादशाह से कर दिया। 23 जून 1724 ईस्वी को महाराजा अजीत सिंह की इनके छोटे पुत्र भक्त सिंह ने सोते हुए हत्या कर दी। वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें, जन्म 13 अगस्त 1638 को महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री आसकरण के यहाँ मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। महाराणा जो महाराजा जसवंत सिंह के देहांत के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में वीर दुर्गादास राठौड़ की जो महती योगदान रहा इनका, इन्होंने अनेक कष्ट सहते हुए भी कुंवर अजीत सिंह की परवरिश की एवं अंत में उन्हें जोधपुर का शासन दिलवाया। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की पन्नाधाई के पश्चात दुर्गादास दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी स्वामी भक्ति अनुकरणीय है। उन्होंने जीवन भर अपने स्वामी मारवाड़ के महाराजों की सेवा की। ऐसे साहसी वीर और कूटनीतिज्ञ के कारण ही मारवाड़ का राज्य स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बन सका। वीर दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई। यहाँ शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है। दुर्गादास के लिए कहा जाता है, मायड़ एड़ो पूत जन जेड़ो दुर्गादास। महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 तक की बात करें, 1803 में उत्तराधिकार युद्ध के बाद मानसिंह जोधपुर सिंहासन पर बैठे। जब मानसिंह जालोर में मारवाड़ की सेना से गिरे हुए थे, तब गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि मानसिंह शीघ्र ही जोधपुर के राजा बनेंगे। अतः राजा बनते ही मानसिंह ने देवनाथ को जोधपुर बुलाकर अपना गुरु बनाया और वहां नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया। गिंगोली का युद्ध। मेवाड़ महाराजा भीमसेन की कृष्ण कुमारी, जो राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी के विवाह के विवाद में जयपुर राज्य की महाराजा जगत सिंह की सेना पिंडारियों व अन्य सेनाओं ने संयुक्त रूप से जोधपुर पर मार्च 1807 में आक्रमण कर दिया तथा अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, परंतु शीघ्र ही मानसिंह ने पुणे सभी इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। सन 1817 में मानसिंह को शासन का कारभार अपने पुत्र छत्र सिंह को सौंपना पड़ा, परंतु छत्र सिंह की जल्दी ही मृत्यु हो गई। सन 1818 में 16 जनवरी को मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि कर मारवाड़ की सुरक्षा का भार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये बात थी मारवाड़ के इतिहास की जो हमने आज आप लोगों के साथ चर्चा की। आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आवाज़ के माध्यम से भी कहीं भी बैठे बैठे सुन सकते हैं। आप एक दो बार जब सुनेंगे तो आपके याद हो जाएगा ये। नमस्कार।